हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। पेपर शेयर्स में आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। लगभग सारे पेपर शेयर्स में 2-3% से लेके 17-18% तक की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखने को मिली है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से पेपर स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है, और पेपर सेक्टर के ऐसे कौन से शेयर हैं जो अभी भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, दो पेपर स्टॉक स्टार पेपर और जेके पेपर हमने लगभग 6 महीने पहले भी अपने चैनल पर रिकमेंड किया था लगभग 95 रुपीज़ में, और वहां से स्टार पेपर में तो 20 वीक भी, इवन 1 महीने पहले भी हम लगातार 500-550 के लेवल से रिकमेंड करते आ रहे हैं, और शेयर वहां से 50% से ज़्यादा चल चुका है। आप बने रहिए हमारे चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए हर स्टॉक पर सबसे सटीक सबसे पहले सही विश्लेषण पाने के लिए। फ्रेंड्स, पेपर शेयर में जो आज की तेज़ी आई है उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न तो ये था कि ये न्यूज़ आज आई है कि सरकार जो है एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है अनकोटेड पेपर्स पे बढ़ाने जा रही है, उसकी जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड कर रही है। हालांकि ये न्यूज़ तो समहाउ मार्केट को पता थी। इसके अलावा एक रीज़न ये भी है कि इस टाइम मार्केट में सभी सेक्टर्स और शेयर्स बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, तो ऐसे में सेक्टर रोटेशंस लगातार हो रहा है। हम अपने चैनल पर लगातार पिछली कुछ वीडियोज़ में उन शेयर्स और सेक्टर्स को कवर कर रहे हैं जहाँ पर अभी भी वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हैं और इतनी बड़ी रैली में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, या जो शेयर और सेक्टर अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्टेड हैं अभी भी और आने वाले टाइम में बड़ा पोटेंशियल उनमें है। ऐसा ही एक पेपर सेक्टर है जो लगभग किसी रैली में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है और अपने लाइफ टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। इवन फ्रेंड्स, पेपर शेयर्स में एक बात और भी है कि स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, तो जो कंपनी जो है वो पेपर्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो बुक्स में और जो है स्टेशनरी में यूज़ होता है, वहाँ पर जो है उनका यूजेस बहुत ज़्यादा कम हो गया है। जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, पर जैसे ही कोविड स्टेबलाइज होगा दोबारा से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, यहाँ पर ये सेक्टर भी पिकअप करेगा, तो कहीं ना कहीं कोविड की वेव जो कम होगी। उस थीम पर हमने पहले आपको IRCTC, PVR, बर्गर किंग जैसे शेयर रिकमेंड किए थे, उसी थीम पर आने वाले टाइम में पेपर शेयर्स भी टाइम में जैसे जैसे ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ेगी पैकेजिंग पेपर की डिमांड फिर से बढ़ेगी। पहला स्टॉक जो हम आपको बता रहे हैं वो रुचिरा पेपर है, छोटी कंपनी है। फ्रेंड्स, ये प्रिंटिंग और राइटिंग पेपर बनाती है, क्राफ्ट पेपर बनाती है। काफ़ी बड़ा रिवेन्यू उसका स्टेशनरी डिवीजन से आता है। 67 रुपये की CMP, अगर लाइफ टाइम हाई की बात करूँ तो 210-220 रुपये के आसपास का इसका लाइफ टाइम हाई है। 75-80 रुपीज़ का 52 वीक हाई है। ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई से अभी काफ़ी करेक्टेड है। FY23 की एक्सपेक्टेड अर्निंग्स की बात करूं, क्योंकि FY22 में फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर तो कोविड का पूरा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। FY23 नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स की बात करूं तो 4-5 के PE पे हार्डली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हालांकि पेपर शेयर्स को कोई बहुत एक्सपेंसिव PE नहीं मिलती, कि कोई 1-2 शेयर्स की बात छोड़ दें, ये सेक्टर जो है इसको मार्केट ने कभी भी जो है बहुत अच्छे वैल्यूएशंस नहीं दिए। उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि ग्रोथ जो है यहाँ पर वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है, क्योंकि पेपर्स की डिमांड अगर किसी सेक्टर में बढ़ रही है तो कई सेक्टर ऐसे भी हैं जहाँ ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, और वी आर ट्राइंग टू मूव टूवर्ड्स अ पेपर लेस इकोनॉमी, कि जहाँ पर सरकार कह रही है कि आप पेपर्स का कम से कम यूज़ करो। तो कई जगह अगर ग्रोथ बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, कई सेक्टर्स में घट रही है, इस वजह से ग्रोथ जो है एक लिमिटेड है और मार्केट इसको एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं देती है। पर उसके बावजूद भी जिस वैल्यूएशन पे ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं वहाँ पर ये सब चीज़ें डिस्काउंटेड है, और एक बड़ा पोटेंशियल इन शेयर्स में अभी भी दिखता है। इस शेयर को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं, और यहाँ से भी 40-50% का रिटर्न देने का धमका ये स्टॉक रखता है। दूसरा शेयर स्टार पेपर है, ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई से 50% से ज़्यादा करेक्टेड है। बहुत तेज मूव के लिए हुआ है। नीचे की बात करें
110 रुपये एक बड़ा सपोर्ट है, उसी रेंज में इसने बहुत टाइम बिता दिया है। फ्रेंड्स प्रीवियसली हमने 95 रुपये पे रिकमेंड किया था, वहाँ से 135-138 तक गया, उसके बाद करेक्ट हुआ स्टॉक। अगर इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई वन वाई रिजल्ट देखें तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है। ये कंपनी भी बहुत बड़े रिटर्न्स आने वाले टाइम में आपको दे सकती है। हार्डली FY23 अर्निंग्स की अगर बात करें, 3-4 के पी पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 15% से ज़्यादा पिछले 5 साल में इसका जो है प्रॉफिट्स बढ़ा है। डिविडेंड पॉलिसी कंपनी की बहुत बढ़िया है और बहुत इंडस्ट्रियल पैकेजिंग पेपर जिसकी बहुत डिमांड आज के डेट में है, ये वो उस सेगमेंट को ये कंपनी कैटर करती है। इस स्टॉक को आप अपने रडार पर रखिए, अगले 6 महीने से 1 साल में 180 से 200 का लेवल ये स्टॉक आपको दिखा सकता है। JK पेपर, जो फोटोकॉपी वाला पेपर आता है, उसमें ये बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है। इसके अलावा कोटेड पेपर, हाई एंड पैकेजिंग बोर्ड से कंपनी बनाती है, इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। रिसेंट में जो है इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, उसका पूरा इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स में देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब से इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया तब से लगातार कोविड का इम्पैक्ट है। पिछले 5 साल में इसका प्रॉफिट 100% के CAGR से बढ़ा है। अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ इस कंपनी ने दी है, लगातार कंपनी अपनी डेट कम कर रही है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोटर है JK ग्रुप इस कंपनी का। यहाँ पर भी स्टॉक और डिविडेंड पॉलिसी बहुत बढ़िया है, 4-5% के डिविडेंड डील्ड है। 94-95 रुपीज़ पे 6 महीने पहले हमने रिकमेंड किया था, वहाँ से 60-70% चल चुका है। 165-166 रुपये का हाई बनाया था, फिर करेक्ट होके 130 आया, अभी 158 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक को हमने थर्ड नंबर पर रिकमेंड इसलिए किया कि एक आप करेक्शन पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और 180 से 200 का टारगेट ये स्टॉक भी आपको दे सकता है। इसके अलावा हुतमा की PPL, हुतमा की पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बहुत अच्छा शेयर है। कंट्रोल प्रिंट इसी सेक्टर का एक बहुत बढ़िया शेयर है, इन पर भी जो है लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये सेक्टर काफ़ी अंडर वैल्यूड है और रेटिंग का पूरा कैंडिडेट है, क्योंकि जिस तरह से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे तो वहाँ पे स्टेशनरी पेपर की तो डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल पैकेजिंग पेपर की डिमांड भी जो है आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। इसके अलावा पिछले 2 साल से बात चल रही है कि प्लास्टिक बैन हो सकती है और उसमें कहीं ना कहीं पेपर की डिमांड वहाँ बढ़ सकती है, वो भी एक ट्रिगर है इसके लिए। ये पूरा सेक्टर जो है इसका एवरेज PE अभी 10 से भी नीचे है, इवन काफ़ी स्टॉक्स 4-5 के प्राइस अर्निंग पर ही जो है ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी बड़े नाम सेक्टर में है, तो इसको आप एक बार एक डिफेंसिव बैट की तरह भी देख सकते हैं। जिस तरह से मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ये शेयर्स अभी भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं। सेक्टर रोटेशन, शेयर रोटेशन की एक परफेक्ट कैंडिडेट है। इन शेयर्स को लेकर जो है न्यूज़ भी लगातार बनी हुई है, और इसके अलावा जैसे कोविड वेव स्टेबलाइज होगी उसका भी ये काफ़ी बड़े बेनिफिशियरी हैं, तो इन शेयर्स को आप रडार पर रख सकते हैं और आने वाले टाइम में एक बड़ा रिटर्न आपको पेपर शेयर्स में मिल सकता है। फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इस वीडियो को लेकर हो, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इज माई इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।